जब कोई उनकी कुछ कथा सुनाता है तो उनको लगता है कि ये क्या जानता है उनके बारे में, ये क्या हमको सुना रहा है। तो मैं कहती हूँ तुम कृष्ण की कथा हमको सुना रहे हो गौरे, अरे तुम आज से क्या, हम आज से क्या, हमको तीन जन्म से हम जानते हैं। तो कर्म श्राप तब कथा हमें सप्त जीवनम कवि विरीतम कर्म श्राप हम कहा मेरी कथा श्रवण मात्र से मंगल करती है। हम भी तो कहते हैं कि सुनने घर में मंगल है, दूर के ढोल सुहावने श्रवण मंगल श्रीमदाप्रतम बड़े बड़े श्रीमानों ने आयोजन करके तुम्हारा प्रचार कर रखा, इसलिए तुम्हारी कथा फैल गई है। इसलिए भूमि गणती भूमि जना जो आपकी कथा सुनाते हैं वो तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दो कहते हैं दो अवखंड है, माने ये भूलना बहुत बड़ा क्षति करते हैं। संसार की सुदबुद बनाने वाली है आपकी कथा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है जिसको संसार के तीनों प्रकार के जीव चाहते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान तीन पुनाति वक्तारम पृचकम श्रोति तत्पाद शरीरम यथा। वासुदेव की कथा तीनों पुरुषों को प्रवृत्त करती है। वक्ता एक तो है विषी साधक सिद्ध, तीन प्रकार के जीव होते हैं, तीनों को भगवान की कथा अच्छी लगती है। जो सिद्ध है वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। शंकराचार्य मुनि भगवान की कथा ध्यान छोड़ के सुनते हैं। और जो आपके मुक्षु भक्त हैं, मोक्ष चाहते हैं, कथा उनके लिए मोक्ष को देने वाली औषध है। कहते हैं औषधा निवृत्त दर्शन प्रदीयमाना औषधा श्रोत मनोविरामा निवृत्त दर्श जिनके हृदय से तृष्णा निकल चुकी है वे इसका काम करते हैं, कथन करते हैं, श्रवण करते हैं। और जो मोक्षु हैं उनके लिए भवरोग की औषध है। कहते हैं भव सागर चैपाल जो पावा राम कथा ताकह दीर्घ लावा। और जो विषयी प्राणी है विषयी कह पुण्य हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद हरुमन विश्रामा। इधर तीन पुरुष ये हो गए और इधर यहां बोले वक्तारम। वक्ता पवित्र करता है, प्रेक्षकम प्रश्न करने वाला करता है और श्रोत्री सुनने वाला पवित्र होता है। तत्पाद संग्रम्य था जैसे भगवान के चरणों का धोवन गंगा, जो राजा भगीरथ लाता है वो पवित्र होता है। जो सगर के पुत्र ब्राह्मण के श्राप से दुर्गति को प्राप्त होते हैं हो गए हैं उनका कल्याण करता है। और जो आज भी गंगा में स्नान करता है उसका कल्याण। तब पाद संगम में था तो ये अपना आठ दिन का सत्संग बड़ा ही अंदर तो रहा।
कहीं सुन के आए थे, हमसे बोले कि वो कृष्णा देवी बहुत अच्छी कथा सुन सकते थी, खुशी से बड़ा सुना जाए। तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, अब देखिए ना, अभी आप लोग सुन रहे थे, एक सखी सी संग भूख पे आई, गई रही देखन परवाई। एक सखी जो थी जानकी जी का संग छोड़ के परवाड़ी देखने गई, और वहां उसने देख लिया भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के गए आनंदित हो गए। इधर जानकी जी सरोवर में स्नान करके गौरी की पूजन कर रही, तो पूजन उन्होंने किया पर जो वरदान मांगा वो स्पष्ट नहीं था, परोक्ष था। पूजा की न सहित अनुरागा, निज अनुरूप सौभाग्य वर मांगा, अपने अनुरूप सौभाग्य वर मांगा। हम जैसे हैं हमारे अनुरूप सुंदर वर हमको मिलना चाहिए, कौन मिलना चाहिए, ये परोक्ष था। जब उस सखी ने बताया कि जरा देखो, देखकर बाप वधू आए, भय किशोर लोग आए तो आए, और जानकी जी ने आकर उनको देखा तो देख के फिर लौटी, और लौट के फिर जानकी जी की स्तुति की, अभी आपने सुना। तो उन्होंने कहा कि फिर जो अभी हम देख के आए हैं अपरोक्ष, पहले परोक्ष था और उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि हमको तो ये प्राप्त होना चाहिए। मन जाहिर आचो, जिसको अपने हृदय में लेकर आए हैं, लोचन मन राम ही और रानी, जीने पलक कपाट सयानी। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्धान होकर गोपियों के बीच में आते हैं तो वहां आकर तुम काचिन नेत्र रंध्रेण रिक्त निमील दिशा पुलकांगे योगी वरानंद संप्रुता। तुम काचित, कोई गोपी काचित क्षण क्षण कम श्री कृष्णात्मकम सुखम चयती कपाट सयान, और उन श्री राम को अपने हृदय में ले जाकर फिर जानकी जी के पास जाती है और कहते ये चाहिए। पहले तो परोक्ष में था, अब अपरोक्ष में कह दिया, और जानकी जो पार्वती जी भी समझ गई कि जिसको ये लेके आई है, जिनको लेके आई है उनको मांग रहे। मन जाहिरा, बड़ा सुंदर रूप कृष्णा जी ने बताया। ये जो सखी है ये भगवती है। हम लोग ये मानते हैं कि दंपति को मिलाने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति त्रिपुर सुंदरी से होगी। राधा कृष्ण को भी त्रिपुर सुंदरी मिलाते हैं, तो यहाँ सीता राम को भी त्रिपुर सुंदरी ही मिलाती है। और दाम्पत्य के लिए उनको मानी जाता है, तो दाम्पत्य की देवता त्रिपुर सुंदरी है, वो दोनों को एक दूसरे से परिचित करा देती है और फिर जाके बताती है। हम लोग कहा करते हैं, दो चींटी थी, एक चींटी नमक के पहाड़ में रहती थी और दूसरी मिश्री के पहाड़ में रहती थी। तो मिश्री के पहाड़ वाली चींटी तो बहन बहन थी, जगह जगह ब्याह जाती है बहने, कोई कहीं कोई कहीं, तो वो अपनी मिश्री के पहाड़ वाली जो बहन थी वो अपनी नमक के पहाड़ वाली बहन के यहाँ मैं
भगतिया बड़ी अच्छी तरह से उसे पहनाए पैरों से बैठा था और एक डली नमक की उसके सामने रखी। तो जैसे ही उसने नमक की डली का स्वाद लिया, दो तीन कदम पीछे हटी और बोली, बहन मैंने तेरा कैमरे वाला आकर देखा दिया। तो मलान मन से उस नमक की पहाड़ की चींटी ने कहा कि बहन तू यही खाते जो अच्छे से अच्छा भोजन है, अच्छी से अच्छी डली है, वो हमने तुमको दिया। तो वो समझे कि ये बेचारी मिश्री का स्वाद लिया, इसको हम अपने यहां बुलाए। तो उसने कहा, हम आपको निमंत्रण देते हैं, हमारे यहां आइए। तो वो नमक के पहाड़ वाली चींटी मिश्री के पहाड़ वाली चींटी यहां गई, लेकिन उसने सोचा कि वहां शायद नमक मिले न मिले। तो एक छोटी सी डली अपने मुंह में दबाई गया कि अगर नहीं मिलेगा तो ये खा लेंगे। अब जब वो गई वहां, तो बहन ने मिश्री की एक बढ़िया डली अपनी बहन के सामने रख दी, केले वहां बैठ हो जाकर। अब मिश्री के ऊपर उसने मुंह लगाया, लेकिन स्वाद नमक का मिलने लगा क्योंकि नमक पहले से रखा हुआ था। बहन तो थोड़ी तारीफ कर रही थी, ये भी तो खा रहा है, ये भी तो खा रही। बोली, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, एक बार मिश्री की डली मुंह से निकाल के एक तरफ रख दे, हम छीन नहीं लेंगे और फिर इसका स्वाद है। तो उसने मिश्री की डली वाली का खेला माना, नमक की डली थोड़ी देर के लिए जैसे अलग करके मिश्री का स्वाद लिया, तो हमेशा के लिए मिश्री के ही पहाड़ में रह गई, बाहर जाने का नाम नहीं। इसी तरह से संसार की जो कथाएं हैं, विषय भोग की कथाएं हैं, तरह तरह के जो ग्राम गीत हैं, वो नमक की डली है। और भगवान की कथा जो है मुसी मुसी की डली। तो लोग आते हैं तो अपने मन में उसी तरह की भावना लेके आते हैं कि ऐसी कुछ चीज नहीं जाए। सम्मुख भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसना, यही कारण आवत ही हारे। फिर जम्मू कामी कहा कबरा कविचारे। तो जो अपने हृदय को शांत करके विषयों की आशा मन से तोड़ देर के ये निकाल के कथा सुनता है, वो सदा का कथा का प्रेमी हो जाता है। और कथामृत का पान करके अगर अमर अखंड परम परमात्मा को प्राप्त करके जलवरण के चक्र से छूट जाता है। तो ये कथा का महत्व है। कथा में कल सुनाया ही था, कथा भगवान के स्वरूप की अभिव्यक्ति है। सच्चिदानंद परमात्मा नाम रूप लीला धाम के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये लीला के रूप में अभिव्यक्ति है। तो जो भी सब कथा, इसलिए भगवान की कथा के एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान का शब्द श्री विग्रह बताया गया, ऐसे राम कथा दोनों।